हेलो बच्चों, कैसे हो? क्लास नाइन बढ़िया, कल समझाया समझ में आ गया? अरे भाई, कमेंट बहुत कम करते हो आप लोग, कमेंट किया करो, इससे हमें भी अच्छा लगेगा। बच्चों अच्छे इंटरेस्ट ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कमेंट करा करो। और लाइक नहीं करते हो बस देख कर छोड़ दो, लाइक को कर दिया करो, उसको लाइक का बटन होता है उसको दबा दिया करो, ठीक है? तो आज हिस्ट्री के अंदर लेसन नंबर सेकंड का क्रैश कोर्स कराएंगे आपका। दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले बता चुका था मैंने आपको, पहला कंप्लीट कराया था पूरा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लग रहे हैं दोबारा डिस्क्राइब करने के लिए वो मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है? क्रैश कोर्स है, ध्यान से समझना। लेसन नंबर सेकंड का क्या नाम है इसमें? सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, यानी हिंदी में कहें तो यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। समाज सामाजिक परिवर्तन का युग, फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं को सुपात्र कर दिया। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तित्व गण अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक संघ पर किसका नियंत्रण है, इस पर चर्चा छिड़ गई। मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सब पर सबकी अलग अलग राय थी, कुछ रूढ़िवादी थे तो कुछ उदारवादी थे, जिन्हें रेडिकल्स भी कहा जाता था। हमें समाधान के पक्ष में थे, जो समाधान के पक्ष में। अब उदारवादी, रेडिकल्स और रूढ़िवादी के बारे में समझो। पहला है उदारवादी, यह लोग ऐसे राष्ट्र चाहते थे जिससे सभी धर्मों का को बराबर का सम्मान और जगह मिले। यह समूह मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के विरुद्ध में था। यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था, यह लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के पक्ष में नहीं थे। वह मानते थे कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। यह समूह महिलाओं के वोटिंग के पक्ष में भी नहीं था। अब बात करते हैं रेडिकल्स की। यह समूह में बहुत सारे लोग महिला मत अधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। यह डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के पक्ष में थे। यह समूह बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकारों के खिलाफ था। यह समूह कुछ लोगों के पास संपत्ति के कलेक्शन का विरोध जरूर करते थे, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी के विरोध नहीं करते थे। अब रूढ़िवादी की बात करते हैं। यह समूह पुराने समय के परिवर्तन के विचार का विरोध करते थे, लेकिन फ्रांसी क्रांति के बाद यानी रशियन रेवोल्यूशन के बाद रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। और 19वीं सेंचुरी तक आते आते यह लोग मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक होना चाहिए, परंतु वह चाहते थे कि पास्ट को भुला नहीं जाए और बदलाव का प्रोसेस धीमा हो। नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल सोसाइटी, यानी औद्योगिक समाज और सामाजिक समाज में परिवर्तन। फर्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन से वुमेन, मेंस और बच्चे सबको कारखानों में ला दिया। सेकंड, काम के आवर्स बहुत बड़े होते थे और वेजेस बहुत कम थे। थर्ड, अनएम्प्लॉयमेंट एक आम समस्या थी। फोर्थ, सिटीज तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा है। यूरोप में सन 1815 में जिस तरह की सरकार बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल्स आंदोलनकारी रेवोल्यूशनर के पक्ष में थे। नेक्स्ट टॉपिक है राइजिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में समाजवाद का आना। 19वीं सेंचुरी के मिडिल में यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। समाजवादी प्राइवेट प्रॉपर्टी के विरोध में थे। इनका मानना था कि अगर प्रॉपर्टी पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो
ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकता है। तालवास का विचार था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी पूंजीवादी समाज है जो कि मजदूरों का शोषण करता है तथा उनके लिए मुनाफा रख लेता है। मार्क्स का विश्वास था, कार्ल मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत अलग तरह का समाज बनाना होगा जिससे सारी प्रॉपर्टी पर पूरे समाज का नियंत्रण और अधिकार रहे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म यानी समाजवाद के लिए समर्थन। सोशलिस्ट ने सेकेंड इंटरनेशनल के नाम से एक इंटरनेशनल संस्था भी बना ली थी। संकट के समय अपने मेंबर्स को मदद पहुंचाने के लिए इन ऑर्गेनाइजेशन ने कोष स्थापित किया और वर्किंग आवर्स में कमी तथा वोटिंग राइट्स के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इनके संगठन के काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय इलेक्शंस में वो पार्टी भी मदद करती थी। 1914 में तक यूरोप में सोशलिस्ट कभी भी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। नेक्स्ट टॉपिक है रशियन डायनेस्टी यानी रूसी साम्राज्य। 1940 में रूस और उसके पूरे डायनेस्टी पर चार निकोलस सेकेंड का शासन था। रूस में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज के फिनलैंड, लेटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड, यूक्रेन व रूसाइल के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। नेक्स्ट टॉपिक है रशियन डायनेस्टी इकोनॉमी एंड सोसाइटी यानी रूसी साम्राज्य की अर्थव्यवस्था और समाज। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता जीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। किसान अपनी जरूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। इंडस्ट्रीज बहुत कम थी। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख इंडस्ट्रियल एरियाज थे। 1890 में बहुत सारी फैक्ट्री स्टार्ट हुई थी जब रशिया अपने रेलवे नेटवर्क को फैला रहा था और उसी समय रशिया में फॉरेन इंडस्ट्रीज को बहुत तेजी आ रही थी। इन्हीं कारणों से रशिया में कोल प्रोडक्शन डबल हो गया और स्टील प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ गया। सरकारी डिपार्टमेंट फैक्ट्रीज पर नजर रखते थे जैसे मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिल रहा है कि नहीं और वर्किंग आवर्स ठीक है कि नहीं। 1914 में फैक्ट्रीज में वुमेन वर्कर्स की संख्या 31% थी लेकिन पुरुष यानी मेंस के मुकाबले वेतन कम मिलता था। 1896 से 1897 में क्लोथ फैक्ट्रीज में स्ट्राइक की गई। 1902 में धातु उद्योग में भी स्ट्राइक की गई थी। 1902 से 1905 तक में फार्मर्स लगान भी नहीं चुकाते थे। वह कई जगह तो लैंडलॉर्ड्स को की हत्या भी कर की जा चुकी थी। नेक्स्ट टॉपिक है सोशलिज्म इन यूरोप। 1914 से पहले रशिया में सभी पॉलिटिकल पार्टीज गैर कानूनी यानी इलीगल थी। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया गया। इस पार्टी ने फार्मर्स के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को वापस कर दे। यह पार्टी न्यूज़पेपर निकालती थी और स्ट्राइक्स के आधे कार्यक्रम आयोजित किया करती थी। 1900 में ग्रामीण इलाकों में एक सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन किया गया। नेक्स्ट है 1905 का रेवोल्यूशन। रशिया में उदारवादी जात के तानाशाह की समाप्ति चाहते थे। 1905 में कॉन्स्टिट्यूशन में की रचना में लिए
सोशल डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी के साथ को साथ लेकर फार्मर्स और वर्कर्स के बीच काफ़ी काम किया। इन्होंने मुस्लिम वाले इलाकों से भी समर्थन मिला। कारण कॉज क्या हुआ रेवोल्यूशन का? 1904 में जरूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ गई कि वास्तविक वेतन में 20% तक गिरावट आ गई। 1904 में ही चार वर्कर्स जो कि आयरन वर्कर्स थे उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया, तो मजदूरों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया। ब्लडी संडे यानी खूनी रविवार सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर या 1,10,000 से ज़्यादा वर्कर्स वर्किंग आवर्स की कमी करके हर 8 घंटे किए जाने वेतन में इंक्रीमेंट और वर्किंग कंडीशंस का सुधार की मांग कर रहे तो लेकर स्ट्राइक पर चले गए। इस दौरान कपून के नेतृत्व में मजदूरों को एक जुलूस विंटर पैलेस से के सामने पहुंचा तो पुलिस ने उन मजदूरों पर हमला कर दिया और इस घटना में 100 से ज़्यादा लोग मजदूर मारे गए और लगभग 300 से ज़्यादा घायल हुए। और इतिहास में इसी घटना को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है, जो 1905 में रेवोल्यूशन का मेन कॉज था। 1905 रेवोल्यूशन का स्टार्टिंग खूनी रविवार की घटना से हुई थी। सारे रशिया में स्ट्राइक्स होने लगी, विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए और नागरिक स्वतंत्रता का आभाव करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का विरोध करने लगे। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और अन्य मध्यम वर्ग कर्मचारी ने संविधान सभा की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन डायनेस्टी। ये आपको हम अगले जो लाइव क्लास होगी वो वहाँ तक तब बताएंगे आपको। तो यहाँ तक आपको क्या करना है, पहले रीडिंग करनी है आपको फिर उसकी, और इस बुक में जो भी आपको चैप्टर में जो भी परेशानी आती है उसको कमेंट करना है। तो लेसन नंबर 2 क्या करना है आपको, रीडिंग करना है। और कोई परेशानी आती है आपको उसके अंदर तो क्या करना है आपको, कमेंट करना है या फिर ग्रुप पर मैसेज भेजना है। इससे मैं आपको दोबारा बताऊँगा और आगे क्या करूँगा समझाऊँगा। तो आपका ये फर्स्ट वीडियो होगा, हैशटैग फर्स्ट वीडियो। सेकेंड वीडियो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली लाइव क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। हाँ, लाइक करें, कैसा लगा वीडियो, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय।